आज हम आपको ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज के विजेता टीम इंडिया का हिस्सा रहे करनाल के हल्का त्रावड़ी में रहने वाले तेज गेंदबाज रहे नवदीप सैनी के परिवार से मिलवाते हैं। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज नवदीप सैनी काफी मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हुई 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में नवदीप सैनी ने अपनी तेज गेंदबाजी से कंगारुओं को धूल चटाने का काम किया है। कई सालों बाद ऑस्ट्रेलिया की धरती पर जीत हासिल करने के बाद जहां पूरे देश में खुशी की लहर चली हुई है, वहीं नवदीप के परिवार वाले भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। करनाल के रहने वाले नवदीप सैनी आम परिवार से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि उनके पिता सरकारी ड्राइवर थे, पर आमदनी इतनी नहीं थी कि परिवार अपने बेटे की इच्छा पूरी कर सके। नवदीप के पिता इस हालत में नहीं थे कि वो क्रिकेट अकादमी की फीस भर पाते। इसके बाद भी उन्होंने अपनी इच्छा मरने नहीं दी और संघर्ष जारी रखा। नवदीप टेनिस गेंद से अभ्यास करने लगे। इससे उन्हें ये फायदा मिला कि उनकी गेंदों की गति बढ़ने लगी। नवदीप के पास उन दिनों एक अच्छी स्पोर्ट्स शूज भी नहीं थे जब वह अभ्यास करता था। नवदीप के परिवार में उसके माता पिता और दादा उसका भाई है। परिवार के सभी लोगों ने पूरी टीम इंडिया को जीत की बधाई देते हुए कहा कि सभी खिलाड़ियों की मेहनत रंग लाई है। उम्मीद करते हैं आने वाले मैचों में भी नवदीप समेत पूरी टीम इंडिया बेहतर प्रदर्शन करेगी। नवदीप के पिता अमरजीत सैनी ने नवदीप की कामयाबी के पीछे भगवान के बाद क्रिकेटर सुमित नरवाल व भारतीय टीम के पूर्व कप्तान गौतम गंभीर व उसकी कड़ी मेहनत को बताया। मैं तो सारी टीम नु बहुत बहुत बधाई देना भी। मेरे मालिक का लख लख शुक्र है भी साड़ी टीम 32 साल बाद जीत के आई है। मैं सारी टीम नु बहुत बहुत बधाई देना भी साडा बच्चे ने पहली बार डेब्यू होया बच्चे का मैच च, तो उन्हें 2-4 विकटा लिया ने, तो अगे भी प्रदर्शन बहुत वधिया करेगा इंग्लैंड। असी गरीब परिवार तो साडा संबंध सी, वो तो बाद असी मैं सरकारी नौकरी करता सी, तो मेरा बच्चा क्रिकेट का बहुत शौक सी, तो इनू जिवें सुमित नरवाल जी मिले करनाल ही, जब प्लस टू करके करनाल पढ़न गए दयाल सिंह कॉलेज, तो सुमित नरवाल जी ने इनू जब मैच खत्म होया बुला के पूछया भी तू कित्थे दा रहण वाला कित्थे पढ़दा, वो फिर कहन दस्या भी मैं तरोड़ी दा रहण वाला, तो उत्थे आई लोकल खेडदे आ, मेरा कोच कोई नहीं है। फिर सुमित नरवाल जी ने कहा भी मेरे नाल दिल्ली चलोगे, फिर सुमित नरवाल जी इन्हू दिल्ली लै गए, एक बार नहीं 8-10 बार लै के गए आ दिल्ली, तो उत्थे जाके फिर गौतम गंभीर जी ने मिलाया। गौतम गंभीर जी ने 3-4 महीने की बोलिंग देखी, बोलिंग देखने तो बाद तो उन्हूं बच्चा पसंद आया। जब रणजी मैच चलने सी तो उस दे विच फिर इहदा नाम आ गया, तो उस तो बाद इन्हें फिर पिछे मुड़ के नहीं देखा। तो सुमित नरवाल जी का बहुत बहुत अही बहुत धन्यवाद करते हैं, और गौतम गंभीर जी का अही सारी उम्र भर जिंदगी भर इनका साथ नहीं भुल सकते। कि आपको एक समय ऐसा सी नवदीप सैनी को जुत्ते लैन वास्ते भी जड़ा दिक्कत सी, काफ़ी संघर्ष किया कड़ा, किदा दा लगता है तुहानू? वो संघर्ष तो एवें है ना जी, बच्चे ने पहले उरे जो ट्रेनिंग ली होंगी तो नहीं इन्ना होना सी, हूँ बच्चा उत्थे खेडन लग गया, उन्हूं बहुत कुछ पता लग गया, बहुत कुछ सीख गया, तो अगे होर मेहनत करेगा तो बहुत कुछ विकटा लेगा जी। पहली बार टेस्ट टीम में सिलेक्शन हुई थी, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा पूरी टीम का रहा, नवदीप सिंह ने भी 4 विकटा हासिल की 2 मैचों में, तो की कहना चाहोगे? सानू तो बहुत खुशी आई, तो मालिक का शुक्र गुजार हाँ, मालिका तेरा लख लख शुक्र है भी साढ़े बच्चे ने पहली बार डेब्यू किया मैच च, उन्होंने 4 विकटा मिलियाँ, अगे भी बहुत प्रदर्शन करेगा, अगर ये दर्द ना हो पता होर विकटा मिलती जी। इंग्लैंड भी अगर मैच ने वो भी सिलेक्शन हुई है इंग्लैंड टीम के, की कहना चाहोगे? इंग्लैंड मैच अभी बधाई देने भी मालिका तेरा शुक्र है भी बच्चा इंग्लैंड भी टीम आ रही है साढ़े, वो ना खेडेगा तो बहुत चंगा लगेगा, वो भी अच्छा प्रदर्शन करेगा। नवदीप सिंह की कोई बचपन की कोई याद ताज़ा करना चाहोगे जी? नवदीप गल्लां तो बहुत ने साढ़े को, मैं एक बार जो स्कूल पढ़ता ही छोटा जहा हों, तो इन्हें शिमले जाना ही स्कूल का टूर, मैं मैनू कह लग्या डैडी मैनू पैसे दो अही टूर पर जाना शिमला, मैं शाम को पैसे दे के चले गया, मैं नौकरी चले गया, जब मैं उतों वापस आया शाम को तो ये घर मैं क्या नवी तू मैं उत्थे नहीं गया शिमला टूर, कहिंदा डैडी नहीं साढ़े उरे मैच आ, अभी तो मैच खेडांगे असी टूर पर नहीं जाना, तो मैनू भी बहुत खुशी हुई बच्चे ने मेहनत अज रंग लिया, अगर नहीं टूर पर गया तो अब वो कम मेहनत कम आ गई ना जी। कि हाथ मनते हो तुम अंकल जी इन्ना वाला स्टार तुहाडा पुत्र बनया?
मैं तो एक पहला नाल तो वाहेगुरु का शुक्र गुजार हाँ, सुमित नरवाल जी और गौतम वीर का बहुत शुक्र गुजार हाँ, मेरे मालक सारे ते मेहर भर हाथ रखी। तो की कहना चाहोगे और लोगों को संदेश देना चाहोगे? मैं तो सारे बच्चों ये कहना भी अच्छी पढ़ाई करो, पढ़ाई जे करनी है तो अच्छी पढ़ाई करो, बच्चे बहुत वधिया इंजीनियर बनोगे, नहीं पढ़ाई करनी खेडा करनी भी ध्यान रखो, कि पता अपने माँ बाप को भी दसो भी असं खेडना चाहते हैं, जो थोड़े माता पिता भी फिर थोड़े हैल्प करे चंगे। जित तो बाद गल हुई सैनी नाल राती कहना चाहोगे? हाँ रात हुई सी जी साडी गल, वह हूँ कल अज मेरा वापस आन गए। की आख्या सैनी ने? सैनी ने कहा भी डैडी मैं जित के बधाइया, मैं पुत्र तेन भी बधाई, सारे देश में बधाई, सारी टीम को बधाई दिता, मैं भी लख लख बधाई आ भी असं 32 साल बाद जित के आए हाँ, भी बहुत शुक्र गुजार आए थे असं, कम से कम यंग इंडिया मतलब सानू भी अच्छा लगे भी नए बच्चों ने कुछ करके दिखाया। काफ़ी युवा टीम से कोई स्टार भी नहीं, फिर भी इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की टीम में, बड़े खिलाड़ी नहीं थे। हाँ जी चंगा लग्या जी, सारे नए बच्चे से, सारे बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया, कामयाब हो गए जी, अगे भी खेडांगे अगे भी कामयाब होवांगे। अंकल जी छोटे जे हलके तो इन्ना वड्डा स्टार बनया, कभी तुसीं भी महसूस नहीं किया, बिल्कुल तुसीं भी आम जिंदगी बसर कर रहे हो, की कहना चाहोगे? असी तो कभी सोचा ही नहीं जिंदगी, अज पर मालक ने बच्चे के उत्ते मेहर की आ, अज सा बहुत वैल्यू हो गई, सानू दुनिया जान दी, कौन जानता जी सानू जी, ये सब बच्चे की बदौलत नाल जानते हैं जी। तो पहला जी मैं वाहेगुरु का लख लख शुक्र गुजार करती हाँ जी, कि नवदीप जी बहुत मेहनत की है जी। की कहना चाहोगे, कितना टाइम लगे आंटी जी, थोड़ा लगातार दसो। टाइम तो जी कई साल हो गए जी, शुरू तो ही खेलता जी, बहुत मेहनत की है जी, प्रैक्टिस हर रोज़ जी प्रैक्टिस करता रहता था जी। तुहाडे वालों कितना सपोर्ट मिला आंटी जी? मैं भी जी इनू हर रोज़ ऐ कहती सी भी तुसी बेटे स्कूल ते आए जी, हुण मेहनत करो हर रोज़ जी, बोलिंग स्कूल ते आका जी इनू बोलिंग दी हर रोज़ जी प्रैक्टिस कीती आ जी। इन्ना वड्डा स्टार तुहाडा पुत्तर बनया, की कहना चाहोगे? हाँ जी असी तो सोचा भी नहीं था जी भी नवदीप जी इन्ना वड्डा स्टार बन जूगा जी, क्यों हर रोज़ मेहनत करता दिता ही बनया जी। पूरी टीम इंडिया नू की कहना चाहोगे? टीम नू जी मैं बहुत बहुत बधाई दिंदी आ कि बहुत 32 साल बाद जी इंडिया टीम जीती है जी, बहुत बहुत बधाइया। अगे भी सिलेक्शन हुई आंटी जी इंग्लैंड नाल सीरीज, की कहना चाहोगे किवें दा प्रदर्शन जी? नवदीप जी बहुत मेहनत करदा जी, अगा भी जी बहुत वाहेगुरु की कृपा नाल जी बहुत बहुत मेहनत करूगा जी। आंटी जी कोई बचपन की याद ताजा करना चाहोगे नवदीप जी? हाँ नवदीप जी काफ़ी मध्यम वर्ग परिवार तो इन्ना वड्डा स्टार बनया, की कहना चाहोगे? हाँ जी असी जी बहुत गरीब परिवार से हाँ जी, क्यों इधर डैडी जी हर सरकारी नौकरी करता था जी, बस इन्ना सोचा नहीं था भी मेरा बेटा इन्ना बड़ा स्टार बन जूगा जी। राती गल हुई की आख्या नवदीप जी? मेरे नाल तो गल नहीं हुई जी, इधर डैडी नाल हुई जी, नवी तो अपने भरा नाल गल की है जी, कि इंडिया टीम जित गई जी, बहुत बहुत बधाइया दें देता जी, असी भी मम्मी डैडी की तरफ से बहुत बहुत बधाइया जी इंडिया टीम नूं जी, कि बहुत साल बाद 32 साल बाद जीती है जी इंडिया टीम जी। परिवार काफ़ी सहयोग किया, परिवार ने भी हाँ जी मुश्किल हाँ। साथ दिता, की कहना चाहोगे? मम्मी तो जी हर रोज़ उस नवी का बहुत साथ दी थी जी, आरडी का डैडी भी जी भी बहुत बहुत मेहनत कर बैठे, कोई दिन ऐसा होगा जी कि मम्मी डैडी भी देख सकते हैं जी छोटे जे।